दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ दुबई सीरीज। आई होप आप सबने एपिसोड 1 देखा है। तो चलिए फिर आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम आ गए हैं फाउंटेन शो एट बुर्ज खलीफा देखने। तो हम अभी पहुंच गए हैं द पैलेस डाउनटाउन में। तो यहाँ से जो व्यू है वो बहुत अच्छी दिखती है फाउंटेन शो का। तो चलिए फिर मैं आपको ले चलती हूँ फाउंटेन शो पे। सो दिस मेस्मराइजिंग फाउंटेन शो विल स्टार्ट फ्रॉम 7 PM। हाय गाइस, सो आज डे 1 में सबसे पहले ही हमारा निकलना काफ़ी देर हो गया था, इस वजह से हम डायरेक्टली आ गए हैं फाउंटेन शो के लिए। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं द पैलेस डाउनटाउन, यहीं से होके हम जाएंगे फाउंटेन शो देखने। यहाँ से फाउंटेन शो का व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इवनिंग का टाइम है एंड बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये प्लेस, देखिए। एंड मेरे पीछे बुर्ज खलीफा एट इट्स ग्लोरी। Wow, it's so beautiful. कोई कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, मगर कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है ना, इतना खूबसूरत जो आंखों से दिख रहा है। अभी हम पहुंच गए हैं फाउंटेन शो देखने के लिए। तो दिस इज द बेस्ट लोकेशन जहां से आपको फाउंटेन शो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगी, बट यू ट्राई टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज यहां में बहुत ज्यादा रश होता है। तो हम भी अभी पहले ही, क्योंकि हम 6 बजे आ गए हैं यहां में, फाउंटेन शो स्टार्ट होगी 7 बजे, तो हम 1 घंटा पहले ही आ गए हैं। उसका रीजन बस यही है कि यहां में इतनी रश हो जाएगी बाद में। तो अगर आप कुछ अच्छा वीडियो या फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको लोकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, देन आपको पीछे खड़े होकर देखना होगा। तो आप थोड़ा सा पहले आ जाइए एंड फटाफट से अपना जगह ऑक्यूपाई कर लीजिए। सिर्फ यही नहीं, इफ यू आर एन एडवेंचर लवर सो यू गॉट लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शन टू एक्सप्लोर एज वेल। सो आप यहाँ में बोट राइड भी ले सकते हैं। तो फाउंटेन शो बोट राइड से बहुत अच्छी दिखती है क्योंकि उसका एक क्लोजर, एक लुक मिलता है। तो अगर आप बोट राइड करना चाहते हैं सो इट विल कॉस्ट अराउंड 68 dirham, विच इज 1532 इन इंडियन रुपीज़। तो आप इस तरह का बोट राइड भी ले सकते हैं। 9-10 लोगों को बैठाते हैं बोट में एंड वहाँ से भी बहुत अच्छी आपको एक क्लोज व्यू मिल जाती है फाउंटेन शो की। तो चलिए फिर साथ में एंजॉय करते हैं द मेस्मराइजिंग फाउंटेन शो। Oh, 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 oh
after the fountain show, don't miss this beautiful and breathtaking laser light show of Burj Khalifa. Destination is Dubai Mall, which is world's biggest mall. So whoever is a shopaholic person, so this place is a paradise for him, because yahan aise koi brand nahi hai jo na mile aapko. Usually this place is very very crowded. So kyunki hamara koi shopping ka plan nahi tha, so hum bas thoda sa hi ghumenge aur yahan se nikal jayenge kyunki hamara kal tight schedule hai. So isi ke sath we are ending today's डे. और आज का दिन बहुत मज़ा आया. अभी हम होटल वापस जा रहे हैं क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग को हमें निकलनी है बुर्ज खलीफा के लिए, क्योंकि हम बुर्ज खलीफा के टॉप में कल जाएंगे 124-125 फ्लोर, और वहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है तो हमें जल्दी पहुँचनी होगी. सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे इज डे टू और अभी हम होटल से निकल चुके हैं और हम अब रवाना हो रहे हैं बुर्ज खलीफा के लिए. हम आज स्टॉप पे जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो हम इसी बस से होके जाएंगे. तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ग्रुप भी है, क्योंकि आपको मैंने बिगिनिंग में बताया था हम मैराथन के लिए आए थे, तो हमारा एक ग्रुप भी है. सो इसी बस में, दिस इज़ अ वेरी लग्जरी बस, तो इसी बस से हम आज पूरी दिन हम जहाँ भी जाएंगे हम इसी बस में ही सफ़र करेंगे. तो चलिए फिर बस के अंदर चलते हैं. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे होटल से, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीच बुर्ज खलीफा, क्योंकि हम एकदम डाउनटाउन के लोकेशन पे ही स्टे कर रहे थे. एंड ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट लेवल इज हाई बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू विजिट दुबई एंड बुर्ज खलीफा के भी पहली बार एक्सपीरियंस होगा ऊपर जाने का, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और काफ़ी थ्रिल फील हो रहा है. तो चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आपको मैं ले चलती हूँ मेरे साथ एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा. तो हे गाइस, हम अभी पहुंच गए हैं और यहाँ ऑलरेडी बहुत लोग हमारे आगे रुके हुए हैं और हमें लगा कि हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं और हम लाइन के बिगिनिंग में होंगे, बट ऐसा नहीं है. ऑलरेडी हमारे आगे बहुत लोग लग चुके हैं और इनफैक्ट हम अभी लाइन के सबसे एंडिंग में लगेंगे. तो यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लिफ्ट तक पहुँचने के लिए. लिफ्ट तक पहुँचने के लिए हार्डली हमें हाफ एन आवर जैसे टाइम लग जाएगा. टिकट हमारी प्री बुक थी इसलिए हमें ज़्यादा हेडेक नहीं करना पड़ा, टिकट हमारे हाथ में ही है. एंड चलिए फिर अभी लिफ्ट तक पहुंचते हैं, फिर लिफ्ट में पहुंचने के बाद वहां ग्रुप करके भेजा जाता है तो उसमें भी थोड़ी सी टाइम लग जाएगी. अब लास्ट में ये करना है, स्पॉन्सर का पैसा निकालना है. रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करेंगे ना? रिकॉर्डिंग ऑन. अभी फोन पे ग्रुप अब जूम करके दिखा देना. मैं अभी ये रिकॉर्ड चल रहा हूँ. सनोदिया मेरा नाम बताया, मुकेश कुमार. हाँ सनोदिया बोला ना? नहीं नहीं, मुकेश कुमार मिस कर दिए यार. इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा? इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा? यारा सनोदिया से है. हाय से है. जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम लाइन पे खड़े हैं और काफ़ी भीड़ है एंड लिफ्ट तक पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लग जाती है, क्योंकि आपको टर्निंग ले ले करके एंड काफ़ी सारे एस्केलेटर्स है, तो ये सारे से गुजर के हम पहुंचेंगे लिफ्ट तक. एंड वंस हम लिफ्ट तक पहुंच जाए देन विल रीच टू द 124th फ्लोर. एंड उसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल के बारे में भी बता देना चाहती हूँ. अभी इतना कुछ खास रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, मास्क वगैरह अभी कोई किसी ने भी नहीं पहना एंड दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट इवन. एंड उसी के साथ साथ मैं आपको टिकट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ.
तो टिकट का जो कॉस्ट है फॉर बुर्ज खलीफा इस रुपीज 3,800 पर पर्सन की टिकट है जो हमें लगी। एंड टिकट कॉस्ट में जो यूजुअल टिकट कॉस्ट है, अगर आप यहाँ में पहुँच के टिकट लेते हो तो इट विल टेक यू अराउंड 5,500 और इवन समटाइम्स इट गोज अप टू 6,000। सो हमें थोड़ी सी डिस्काउंट में टिकट प्राइस मिल गई थी। ये मैं इसके लिए मैं एक सेपरेट में वीडियो बनाऊंगी, आपको उसका डिटेल्स वहाँ में मिल जाएगा कि किस तरह से मैंने डिस्काउंट में टिकट ली। सो सबसे पहले तो हम पहुँचेंगे 124th फ्लोर में। सो 124th फ्लोर इज बेसिकली अ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी जोन, वहाँ में आप अच्छे अच्छे फोटोज वगैरह ले सकते हो। एंड देन विल मूव ऑन टू 125th फ्लोर। सो 125th फ्लोर में आप चाहे तो कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, अगर आप शोविनियर लेना चाहते हैं, सो पीसेस लेना चाहते हैं तो आप वो सब वहाँ में आप ले सकते हैं, विच आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज प्राइस इज वेरी वेरी हाई। तो यही मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ये सब बाहर में ही ले, मार्केट में जाके ले, यहाँ से बिल्कुल भी परचेस ना करें। बट फिर भी अगर आप एक याद के तौर पे कुछ खरीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन बाई। एंड वहाँ में भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफी जोन है 125th फ्लोर में भी, बट मेनली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर यू नो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, सो मेन स्पॉट्स तो है वो 124th फ्लोर में ही है। तो इसी के साथ साथ यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह भी मिल जाएगी देखने, जैसे हाउ द एक्सकेवेशन बिगिन इन द ईयर 2004 जनवरी एंड इट टुक अराउंड 5 years टू कंप्लीट द कंप्लीट प्रोजेक्ट, सो इट एंडेड इन जनवरी 2009। Yeah, we are going to top of Burj Khalifa. Yeah. It feels to feel hoga. It, I think nahi hoga. Magnetic hai na? Magnetic principles mein chalta hai. Movement nahi rahega. Haan. Didi. Hello. Didi. Lots of photos and videos around this glasses. So of course 124th floor में अभी हम खड़े हैं and यहाँ से view awesome है, यहाँ से entire Dubai city दिखती है। एंड इसी के साथ साथ आपको ग्लास वर्क का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप यहाँ में ग्लास वर्क कर सकते हैं। एंड ये जो आप विजुअल देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली कैमरा विजुअल है, आप रियल में ग्लास वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड जो लाइव जो व्यू है उसी को आपको दिखाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ में क्लाउड्स देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रियल, बट ये कैमरा के थ्रू दिखाया जा रहा है। सो नाउ वी हैव रीच टू द 125th फ्लोर। सो यहाँ में स्टेयरकेस लेके आनी होती है फ्रॉम 124th फ्लोर। सो बेसिकली दिस प्लेस इज फॉर रिलैक्सिंग पर्पसेस, आप यहाँ में थोड़ी सी खाना खा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप यहाँ में शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं जो सुबीनियर्स शॉप पीसेस, दो इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, मतलब अगर आप यहाँ में याद के तौर पर लेना चाहते हैं तभी आप खरीदें, अदरवाइज बिल्कुल भी मत खरीदें। बहुत कॉस्टली, हाउ मच इज दिस? यहाँ पता नहीं भाई, जस्ट चेक इज द प्राइस। 15 AED 15 AED दिरहम, मतलब US डॉलर 20 जस्ट फॉर दिस फ्रिज मैग्नेट 300 रुपये। ओके, दिस फ्रिज मैग्नेट है, या ये तो मतलब थोड़ा महंगा, 15 दिस वन इज आल्सो वेरी क्वालिटी, अच्छा है
ओल्ड एंड न्यू वाला कॉन्सेप्ट है, जो रेगिस्तान था ना धीरे धीरे बिल्डिंग बन गया, दो लेयर है ना अभी, डिफरेंट देन द नॉर्मल. हाउ मच इज दिस? दिस इज 1580. हां 15 है, ये वाला कम होगा, दिस ये भी प्रीमियम है, ये ले सकते हैं. हां ये वाला ले सकते हैं. दिस इज सम सुवेनियर. इसी के साथ अभी हम आ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज द मैजेस्टिक दुबई फ्रेम. सो कहा जाता है कि दुबई फ्रेम सोने की बनी हुई है. इस बारे में कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, बट कहा जाता है कि ये सोने का है, एंड कोई कोई कहते हैं नहीं ये मेटेलिक है. तो हमें इस बारे में श्योर से कुछ नहीं पता है. तो इसका स्ट्रक्चर भी ह्यूज है, जैसे कि आप जानते हैं दुबई में सब कुछ ही थोड़ा ह्यूमंगस एंड जो बिगेस्ट लार्जेस्ट ऐसे ही बनते हैं. तो यहाँ में भी आप टॉप पे जा सकते हैं, आप ग्लास वर्क कर सकते हैं. सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 INR, दैट इज 88 dirhams, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो. पर हम ऊपर नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ में भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है. तो अगर हमें ऊपर जानी है तो हमें बहुत सारा इम्पॉर्टेंट दूसरे स्पॉट्स हमारा मिस हो जाएगा, इस वजह से हम ऊपर तो नहीं जा रहे, बट हमने बाहर से बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोज क्लिक कर ली. लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एंड दैट इज पाम जुमेरा दुबई. लेकिन पाम जुमेरा में बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटी ने परचेज किया हुआ है, ये बूम टाइम पे लिया हुआ है, अभी जो मिलेगा सेकेंड या थर्ड सेल. पाम जुमेरा का ब्रांड एम्बेसडर था शाहरुख खान और माइकल जैक्सन, तो ये बूम टाइम पे सोल्ड आउट हुआ था विद इन 48 आवर्स. दुबई किंग ने अनाउंस किया कि बाहर के लोगों भी आके प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तब इसका ब्रांड एम्बेसडर माइकल जैक्सन. और लेफ्ट हैंड साइड वी आर पासिंग बाय वन ऑफ द लग्जरियस विला, जो विला है लेफ्ट हैंड साइड में, लग्जरियस विला आप लोग देख सकते हैं. अरब लोगों का लग्जरी लाइफ स्टाइल, नॉर्मली लोगों के पास 2-3 बंगलो होते ही होते हैं, जो है शहर में होता है, एक 2 डेजर्ट एरिया में होता है, इसलिए नॉर्मली ये लोग बड़ी गाड़ी पसंद करते हैं, जैसे निसान टोयोटा, ये ब्रांड्स इन लोगों का फेवरेट है. उसके साथ साथ में पानी के लिए ये लोग का अपना प्राइवेट बोट और जेट स्की, ये सब अपना खुद का होता है. तो आगे लेफ्ट हैंड साइड में पार्क करते हैं ये लोग, अब तो घर के बाहर देख सकते हैं प्राइवेट बोट्स या वाटर स्कूटर्स. तो इसको समंदर पे लेके जाने के लिए नॉर्मली ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज करते हैं, जो इन लोगों का फेवरेट ब्रांड है निसान और टोयोटा. सो फर्दर वी आर रीचिंग अनदर 5 मिनट्स बुर्ज अल अरब, वी आर नियर बाय बुर्ज अल अरब. सो इधर उतरेंगे तो आपको सामने जुमेरा बीच नजर आएगा और साथ में 7-स्टार होटल भी दिखाई देगा. तो बगैर प्रॉपर कॉस्ट्यूम का पानी पे उतरना ये जगह पे मना है. और इधर जो भी बीच इस्तेमाल करते हैं, चाहे दूसरी कंट्री को, तो इन लोगों का बगैर परमिशन का फोटो लेना मना है. इधर CID पुलिस नॉर्मली 24 आवर्स घूमते रहते हैं, तो दूसरे का फोटोग्राफी ना ले. तो अपना फोटो. सो दैट्स द ह्यूमंगस 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. सो इट्स वेरी वेरी बिग एज यू ऑल नो, एंड इट्स वेरी लग्जरियस ऑल्सो. एंड जैसा कि आप सबने सुना है, यहाँ आप बीच को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फोटो ले सकते हैं, बीच की फोटो ले सकते हैं, बट यू आर नॉट अलाउड टू टेक फोटोज ऑफ द अदर पीपल रोमिंग अराउंड देयर. कॉमन बीच था, पब्लिक बीच था जुमेरा बीच, और आगे ये होटल के साथ में है प्राइवेट बीच. सो नॉर्मली ये होटल में कोई भी स्टे करना चाहता है तो 25-30 हजार का पर नाइट का रूम कैटेगरी शुरू होता है नॉर्मल होटल का. और बुर्ज अल अरब का अराउंड 2,50,000 2,50,000 का है पर नाइट विदाउट ब्रेकफास्ट. अरे ब्रेकफास्ट हम लिंक ही कर लेंगे. ये स्टार्टिंग फेयर है सिर्फ 2.5 लाख है, उसके बाद करोड़ों में बिकता है बुर्ज अल अरब. सो नॉर्मल विजिटर टूरिस्ट आते हैं वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए, कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सब ये होटल में 7-स्टार होटल में करते हैं. तो राइट हैंड साइड में ये जुमेरा बीच होटल है, रेगुलर 5-स्टार होटल.
इसका जो डिजाइन है वेव्स ऑफ द सी, समुद्र का लहर इसका डिजाइन लेके बनाया हुआ है, बुर्ज अल अरब और साथ में जुमेरा बीच होटल। तो राइट में छोटा सा आपको बिल्डिंग नजर आएगा जिधर ड्रॉप अप पॉइंट है, जो भी बुर्ज अल अरब टूर लेते हैं तो ये छोटी सी बिल्डिंग है, इधर से बुर्ज अल अरब टूर शुरू होता है और आगे से मेन गेट आप देखेंगे बुर्ज अल अरब का जो कनेक्टिविटी है। राइट हैंड साइड वी आर जस्ट पासिंग बाय द मेन गेट ऑफ बुर्ज अल अरब, दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ बुर्ज अल अरब। आगे राइट में हम लोग मॉल ऑफ द एमिरेट्स पास बाय करेंगे, आगे से इधर से यू टर्न कर लेंगे तो मॉल ऑफ द एमिरेट्स आपका लेफ्ट में होगा, अभी राइट पे है। तो अगर किसी को बर्फ देखना है -2 डिग्री टेम्परेचर 2 डिग्री में आना है तो ये आर्टिफिशियल बर्फ इधर बनाता है, जिसको हम लोग स्नो पार्क या स्की दुबई कहते हैं। तो रेगिस्तान में बर्फ भी पॉसिबल है, ये पूरी इंडोर पार्क है जिसको हम स्नो पार्क या स्की दुबई कर सकते कहते हैं। किसी को स्की करना है पेंगुइन देखना है तो ये बर्फ एमिरेट्स में इंडोर पार्क है, स्नो पार्क या स्की दुबई, ये मेट्रो से भी कनेक्टेड है मॉल ऑफ द एमिरेट्स। तो में जाएंगे उसके बाद वो फ्लोर घूम के आपको खुद आना पड़ेगा 4th फ्लोर पे, 4th भी आप देख के फिर 3rd में आना पड़ेगा आपको खुद मैनेज करके, ठीक है। पूरी जो है लिफ्ट सिस्टम भी है, स्टेयरकेस भी है, अब जब उधर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। और उसके बाद आपको आना है 2nd फ्लोर पे,